इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के वाराणसी से, जहां विधायक पिंडरा के पहल पर करखियाओं में बनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों का स्मृति पार्क। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट गो, जल्दी हो जाना तो फास्ट गो बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर यूपी के वाराणसी से, जहां विधानसभा क्षेत्र पिंडरा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम करखियाओं का सौंदर्यकरण एवं पर्यटन विकास कार्य हेतु उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा कुल 4825.65 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त स्वीकृति के संदर्भ में पिंडरा विधायक अवधेश सिंह और पर्यटन निदेशक आर के रावत ने संयुक्त रूप से सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। विधायक अवधेश सिंह ने कहा कि यह कार्य कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड इकाई 3 वाराणसी द्वारा किया जाएगा। करखियाओं ग्राम के 24 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जिनमें महिलाएं भी सम्मिलित थी, उन्होंने सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी एवं कठोर कारावास का दंड भी प्राप्त किया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में मुख्य रूप से भगवती सिंह, वासुदेव सिंह, अवध नारायण सिंह आदि पुरुषों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नौरंगी देवी, गंगाजली देवी, निरंजनी देवी भी सम्मिलित रही। परियोजना के अंतर्गत तालाब का जीर्णोद्धार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मृति स्तंभ, बच्चों के खेलने हेतु पार्क, स्थल तक पहुंचने हेतु अप्रोच मार्ग का निर्माण, आकर्षक लाइटों के माध्यम से सौंदर्यीकरण का कार्य, पेयजल एवं शौचालय, म्यूरल्स के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीर गाथा का चित्रण किया जाएगा। साथ ही साथ पार्क का विकास भी किया जाएगा, जिसमें ओपन जिम बनाए जाने का प्रस्ताव भी शामिल है। तालाब में आकर्षक फव्वारे, जेटी का निर्माण भी किया जाएगा। शहीद स्मारक पर जलपान हेतु कैंटीन, कैफे, ओपन एमपी थिएटर बनाए जाने का प्रस्ताव सम्मिलित है। इस पर्यटन स्थल के विकास से पिंडरा में आम जनमानस हेतु आकर्षक पर्यटक स्थल का निर्माण होगा तथा वाराणसी के पर्यटन क्षेत्र में काशी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विषय में आने वाले पर्यटकों को जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी। देखें वाराणसी से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अमरनाथ बारी की रिपोर्ट। 2 तारीख को समाप्त होना था, वो 1 तारीख में समाप्त हुआ। एक मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि एक लंबे समय से मैं मांग कर रहा था कि हमारे पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में करखियाओं एक गांव ऐसा है, इस गांव में 24 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक ही गांव में है जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित है। ऐसे गांव का और ऐसी चीजों का जब उल्लेख मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी मन में आया कि एक गांव में 24 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो तो उसको निश्चित उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उस गांव को में कुछ काम करना चाहिए। फिर मैं कहा कि पर्यटन के लिए महाराज जी मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि बनाओ प्रोजेक्ट एक। मैं पर्यटन मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया और वो प्रोजेक्ट बनाया 50 बीघे जमीन एक साथ एक गांव सभा की हमारी करखियां गांव में पड़ी, उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा था, उसकी कोई उपयोगिता नहीं हो पा रही थी। मैं उस जमीन को पूरा नापी करा के उसको सुरक्षित रखा और उस पर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनवाया, जो मेरे मन में एक भाव था कहीं घूमने गया कलकत्ता में या जयपुर में, कहीं भी जब मैं गया तो मुझे देखने को मिला कि हमारे यहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ की कोई भी, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, गांव के किसान हो, विद्यार्थी हो, कोई भी आदमी कहीं घूमने के लिए उसके परिवार के लिए कोई जगह हमारे यहाँ नहीं था। मेरे मन में आया कि क्यों न इसी को मैं पर्यटन के दृष्टि से एक अच्छा स्थान इसको मैं बनाऊं, और वही दृष्टि से मैं इसका एक प्रोजेक्ट तैयार किया। उसमें हमारे डीएम साहब, सीडीओ साहब, हमारे पर्यटन के ज्वाइंट डायरेक्टर रावत साहब, ये सारे लोग हमारे इस अनुरोध को, सब लोगों ने उसको बड़े गंभीरता से लिया और उसके बाद कई बैठकें हम लोगों ने इसी सर्किट हाउस में उससे संबंधित हम लोगों ने किया। जब वो बैठक किया तो उसका एक प्रारूप तैयार हुआ और उसमें मेरी जो दिली इच्छा थी कम से कम 5-10 एकड़ में एक झील बने,
उसमें हमारे नाव जो है ये सब चीजें चले, उसमें पार्क एक बड़े बड़ा पार्क बनाए जिसमें लोग टहले, तो इस तरीके की एक प्रारूप हमने तैयार किया और दिल्ली के आर्किटेक्ट और यहाँ के आर्किटेक्ट ने मिल करके एक बड़ी योजना बनाई जो करीब 20 करोड़ रुपए की थी, और उसका प्रपोजल हम जब यहाँ से भेजे तो मैं समझता हूँ कि उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया गया और 18 करोड़ 25 लाख रुपए उसको सेंक्शन हो गया। और वही सेंक्शन का लेटर जब मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में एक और बड़ा काम फिर करने जा रहा हूँ, और मैं समझता हूँ इस महीने के लास्ट में माननीय पर्यटन मंत्री जी के हाथों से उसका शिलान्यास करा दूंगा। क्या नाम दिया गया इस प्रोजेक्ट का, इसके बनने से क्या लाभ होगा जनता को? इसके बनने से मैं समझता हूँ कि पहले तो वह जमीन एकदम बेकार पानी में डूबा हुआ और बेकार पड़ा हुआ था, लेकिन निश्चित रूप में वह पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं, केवल बनारस के लिए नहीं, जौनपुर के लोग, बलिया के लोग, गाजीपुर के लोग और आपके भदोही के लोग, सारे के सारे लोगों को 50 बीघे में जो डेवलप कर रहा हूँ, बच्चों के खेलने कूदने की व्यवस्था से लेके और जो मोटर बोट है वो हमारा जो झील बनेगा उसमें, मैंने इस तरीके की वहाँ अच्छी कैंटीने, मैंने इस सारी व्यवस्थाएं मैं इस तरीके करने जा रहा हूँ जिससे वहाँ पे एक बड़ा पर्यटक का केंद्र वहाँ बनने जा रहा है, उसमें सारे लोग वहाँ पे एक घूमने का एक बहुत ही मनोरम एक अच्छा स्थान वहाँ बनने जा रहा है। क्या प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया गया? उस प्रोजेक्ट का स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पे एक पार्क को डेवलप किया जा रहा है, उसका देखिए क्या नाम लोग देते हैं। क्या उस गाँव वासियों को रोजगार के लिए इसमें कुछ, उसमें कौन सा रोजगार है वहाँ पर आप क्या गाँव वाले उसमें अप्लाई कर सकते हैं? नहीं करेंगे, जो जिस लायक होगा उसकी उपयोगिता उसमें की जाएगी, जो जिस लायक मिलेगा ना। यहाँ पे एक लंबे समय के बाद आजादी के बाद पिंडरा विधानसभा क्षेत्र निश्चित रूप में विकास में कोई दूरा नहीं। जब मैं 2017 में विधायक बना उसके बाद विकास की चीजों को लाने का पूरा मैंने प्रयास किया, और उस विकास की चीजों में आपने देखा होगा मंगाली पे आरओबी बनवा दिया है। मैं पर्यटन के दृष्टि से पिंडराई में, तो पिंडराई में वो जमीन छुटी हुई थी और उस पर लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। वहां के लोगों ने मुझसे कहा कि सर यह बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पे जमीन है, कुछ आतताई लोग इस तरीके का प्रयास करके उसमें इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। मैं उस पे एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे एक बड़ा हार बनवाने जा रहा हूं जो बारात घर के नाम से होगा, वहां पे यह भी बनवाने की व्यवस्था मैंने सुनिश्चित कर दी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उस पे पैसा आ जाएगा और मैंने वहां नाम दे दिया है कि यह पिंडराई गांव में ही यह बनेगा। अभी बहुत तारीख को समाप्त होगा। एक लंबे समय के बाद आजादी के बाद पिंडरा विधानसभा क्षेत्र निश्चित रूप में विकास में कोई दूरा नहीं। जब मैं 2017 में विधायक बना उसके बाद विकास की चीजों को लाने का पूरा मैंने प्रयास किया, और उस विकास की चीजों में आपने देखा होगा मंगाली पे आरओबी बनवा दिया है। मैं पर्यटन के दृष्टि से पिंडराई में, तो पिंडराई में वो जमीन छुटी हुई थी और उस पर लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। वहां के लोगों ने मुझसे कहा कि सर यह बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पे जमीन है, कुछ आतताई लोग इस तरीके का प्रयास करके उसमें इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। मैं उस पे एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे एक बड़ा हार बनवाने जा रहा हूँ जो बारात घर के नाम से होगा, वहां पे यह भी बनवाने की व्यवस्था मैंने सुनिश्चित कर दी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उस पे पैसा आ जाएगा और मैंने वहां नाम दे दिया है कि यह पिंडराई गांव में ही यह बनेगा। अभी बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं, एक एमएसई का है जो मैं बता चुका हूं कि एमएसई का प्रोग्राम अभी उनके अधिकारियों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 20 एकड़ मुझे जमीन दे दीजिए। तो अभी डीएम साहब से मैं कहा उतनी जमीन तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो 12 एकड़ पे आ गए और 12 एकड़ जमीन में 150 करोड़ की योजना से वह भी मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही उसकी शुरुआत यहाँ पे होगी जो पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में ही होगी। उसमें जितने भी टेक्निकल पढ़ाई जितनी भी है, हमारे जितने भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं आत्मनिर्भर भारत के बनाने में और हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए एक एमएससी के लोगों ने एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोलने का निर्णय किया है। वह इंस्टीट्यूट हमारे विधानसभा क्षेत्र में, उसको भी मैं जमीन दे रहा हूँ 20 एकड़ से 12 एकड़ पर आ गए, मैं कहा चलिए दे देता हूँ। तो वह भी जमीन मैं समझता हूँ कि वह भी तैयार हो गए हैं, वह लगभग
150 करोड़ की योजना है, तो वही मैं समझता हूँ कि पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में विकास के दृष्टि से ये देखा जाए तो वास्तव में मेरा प्रयास रहता है, वो प्रयास आप लोगों के प्रयास से ही, आप लोगों के मार्गदर्शन में प्रयास करता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों का मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है और आप लोगों की प्रेरणा मुझे मिलती रहती है, इस नाते मैं यह सब कार्य संभव कर पाता हूँ। बड़ी मेहनत ईमानदारी के साथ मैं इस कार्य में लगा हूँ। अभी मैं बताया जैसे कि वो पुल का अभी उसकी चर्चा किया था, मैं कर चुका हूँ, कार्रवाई शुरू हो गई क्या भी, जिसमें कि सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का उसमें साझेदारी होती है और उसमें 60-40 का रेशियो होता है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैंने बताया तो वह तुरंत स्वीकार करके उन्होंने मेरे कागज को आगे बढ़ाया और बड़ी तेजी के साथ मुझे लगता है करीब लगभग 45-50 करोड़ का वह पुल होगा जो इस निमित्त मेरे पास आया है। यह भी तेजी के साथ यह मैं इस पर शुरू किया हूँ, लेकिन मैं इस मामले में अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जब दिल्ली में मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिला और रेल मंत्री जी से मिलने के बाद जब मैंने उनकी उनसे यह चर्चा किया तो उन्होंने मुझसे कहा किसी से कहने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा पैसा मैं दूंगा और यह जो पार्लियामेंट चल रहा है इसको समाप्त हो जाने चाहिए, हो जाने दीजिए, इसके बाद मैं इसका प्रस्ताव लेकर के और सारा आकलन करके, जब आपने इस तरीके की बात कर दी है तो निश्चित आप मान लीजिए अभी से मेरे तरफ से कि उस पुल को स्वीकृति मैं दे दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि पिंडरा विधानसभा क्षेत्र स्टेशन, मैं बताया आपके लखनऊ बनारस जो हाईवे है यही के आपका फूलपुर मार्केट है, यहाँ से सड़क जाती है इस रोड से सिंधोरा जाती है, खालिशपुर होते हुए सिंधोरा और सिंधोरा से चली जाती है आपके धरसौना जो आजमगढ़ से बनारस मार्ग है उस पे, तो यह सड़क इम्पॉर्टेंट है, जोड़ती है इसको। तो जब मैं इस चीज की चर्चा किया तो उस पे एक आरओबी बनाने के लिए पुल, तो मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी की जैसी इच्छा उनकी शक्ति मुझे दिखाई।